रियासत ने पूरी कुव्वत झोंक दी, मगर आज एक बार फिर इमरान खान से एक और मैच हार गई। मगर 24 घंटे पाकिस्तान पूरी दुनिया में तमाशा बना रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों से CNN, BBC, अल जज़ीरा समेत आलमी मीडिया लाहौर से इमरान खान की जमान पाक रिहायशगाह के बाहर से PTI कारकुनों की पुलिस के साथ झड़पें नशर कर रहा था। इमरान खान एक के बाद एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इमरान खान के चर्चे थे। ये उस पाकिस्तान में हो रहा है जहां सिर्फ 11 माह में डॉलर 182 रुपए से बढ़कर 282 का हो गया। महंगाई ऐसी के गरीब की नान 12 रुपए से बढ़कर 25 रुपए, चिकन 400 रुपए किलो से बढ़कर 900 रुपए किलो हो चुका है। सनअतें बंद हो रही हैं, रोजाना सैकड़ों पाकिस्तानियों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। हुकूमत का सिर्फ एक कारनामा कि 11 माह में इमरान खान के खिलाफ 82 मुकदमात बशमूल दहशतगर्दी बगावत दर्ज किए। कोशिश की गई कि हर रोज उनकी मुतअद्दिद अदालतियां पेशे हो, मगर इस दौरान सिर्फ गुज़िश्ता एक साल के दौरान खान मकबूलियत की निचली तरीन सतह से मुल्क के मकबूल तरीन सियासी लीडर की सतह पर पहुंच गए हैं। गो के नवंबर में कातलाना हमले के बाद से खान घर तक महदूद हो गए, लेकिन हर रोज किसी हुकूमती कार्रवाई के नतीजे में वो हेडलाइंस में होते हैं। मजमू नतीजा ये निकला कि अब 12 जमाती PDM खान का किसी इलेक्शन में सामना करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दो टोक हुक्म के बावजूद हुकूमत पंजाब KP के इलेक्शन के लिए अब इस वक्त हुकूमत तैयार नहीं। दूसरी जानिब मईशत की मुकम्मल तबाहली से बचने का वाहिद हल यानी IMF प्रोग्राम बहाली के लिए बकौल शहबाज शरीफ नाक रगड़ने के बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। IMF पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुस्तहकम हुकूमत का मुतमन्नी है। इंतहाई तजुर्बेकार जहां दीदा अफ्रीकी सफारतकार जानमे खलीलजाद ने कल एक ट्वीट में पाकिस्तान की मौजूदा माशी और सियासी बुरान पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान को मशवरा दिया कि अब बारी बारी सियासतदानों को रुसवा करने, फांसी देने और कत्ल करने के द्वार का खात्मा होना चाहिए। ज़ल्मे खलीलजाद ने मुतनब्बे किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी से हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान के तमाम चोटी के गैर सियासी दानिशवरों की तरह ज़ल्मे खलीलजाद भी पाकिस्तान में मजबूत मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत का तकाजा करते हैं और तजवीज़ देते हैं कि जून में तमाम इलेक्शन हो जाए और इससे पहले कलीदी मामलात पर कौमी इत्तफाक राय को यकीनी बनाया जाए। ये वो बात है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है।